मेरे साथ एक मन हो जाओ, अपनी आंखों को बंद करो और हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो हाथों को उठाओ, क्योंकि ये बात परमेश्वर की ओर से मुझे पहुंची है। जैसे पहले परमेश्वर ने कहा कि तीन दिन की प्रार्थना में, अभी परमेश्वर ने मुझे 21 दिन की बात के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अब मेरे लोगों के लिए तो प्रार्थना कर, मैं उन्हें ब्लेस करूंगा। इसलिए उठाओ अपने हाथों को, धन्यवाद करो परमेश्वर का। रिसा खाला बाबा रुजम्बा बाबा रे बे 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 रिसा गाला बे रे 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 दिन्ना रे खसंगा ला बाबा 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 रुजम्बा बाबा ले बे बे वाला ली 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 ओ राज संतरा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, धन्यवाद खुदा जिस बात को तूने अपने दास के मन में लगाया। निश्चय परमेश्वर आप अपने लोगों के लिए पूरा कर चुके हो, जिनके पास बेबी नहीं बच्चे नहीं, जिनके पास बेबी नहीं परमेश्वर बच्चे नहीं, तूने बच्चे थे चुका यीशु मसीह के नाम से, उन्हें बेबी बच्चे थे चुका है मेरे परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, कर्ज में, बीमारियों में, खुदावंत उन्हें सबको आजाद कर चुका है, तूने सबको आजाद कर चुका है। दुष्ट आत्मा के लोग सताए हुए हैं, दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोग चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। आंखों के रोग, कानों के रोग, सिर के रोग, गिल्टी पत्थरी रसौलियां सब यीशु के नाम से जाती रहे। मैंने कहा सब यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से जाती रहे, जाती रहे। इसी समय घुटनों का रोग, सर्वाइकल के रोगी, एचआई के वेगी रोगी अच्छे हो जाए, काला पीलिया चला जाए, काला पीलिया आपके जीवन से चला जाए, टाइफाइड के रोगी अच्छे हो जाए, टाइफाइड के रोगी अच्छे हो जाए। इसी समय यीशु के नाम से मैं ये आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ये 21 दिन आपके लिए एक ब्लेसिंग और छुटकारे का कारण बने, ब्लेसिंग और छुटकारे का काम बने। जो चीज आपके सोचने से नहीं हुई, इस प्रार्थना को रिसीव करने से और विश्वास करने से परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। जो व्हील चेयर पर है, जिनके अंग काम नहीं करते, वह काम करें यीशु मसीह के नाम से। गुप्त रोग चले जाएं, गुप्त रोग चले जाएं। एलर्जी जो आपकी बॉडी पे, जो एलर्जी वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से, खत्म हो जाए। बाबा सिर का रोग चला जाए, पेट की अंतड़ियां खुल जाएं, पेट के रोग चले जाएं, लीवर का रोग चला जाए, लीवर का रोग आपकी जिंदगी से चला जाए हमेशा के लिए। लीवर का रोग चला जाए, पेट की इंफेक्शन, पेट की बीमारियां आपके जीवन से उखड़ जाएं यीशु के नाम से, उखड़ जाएं यीशु के नाम से। जिन घरों में कलेश है, वो कलेश चली जाए, वो कलेश करने वाली दुष्ट आत्मा आपके घरों से चली जाए, टूटे रिश्ते छुड़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे ब्लेस हो, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका घराना ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। आपके घरों पर आशीष आए, आपके कामों, आपके कारोबार में आशीष आए। जिस कामों को भी आप हाथ लिखाओ, उन कामों पर खुदा का अनुग्रह आए, उनमें आशीष आए यीशु के नाम से। आशीष आए, आशीष आए, आशीष आए। तरह तरह की बीमारी के बीमारियों में जो लोग चकड़े हैं, वो चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। बंद जवान खुल जाए यीशु के नाम से, बंद कान फिर से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो लोग चल नहीं सकते, वो चल नहीं पाए, जो व्हील चेयर पे हैं, वो खड़े हो जाएं, जो चार पाई पे हैं, वो यीशु के नाम से वो फिर से चल नहीं पाए। पैरालाइज के अटैक के रोगी वो हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो हील हो जाए, वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए।
यीशु के नाम से मैंने कहा चंगा हो जाए, चंगे हो जाए। राइट नाउ मैंने कहा चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। आपके बच्चे आज्ञाकारी बने, जिनके पति नशा करते हैं वो नशे की दुष्ट आत्माएं चली जाएं, आपके बच्चों के जीवन से नशे की दुष्ट आत्माएं चली जाएं इसी समय, चली जाएं इसी समय यीशु के नाम से। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपका जिंदगियां बदल जाएं, आपकी जिंदगियां बदल जाएं, आपकी जिंदगियां मैंने कहा बदल जाएं, बदल जाएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और ऐसा होने पाए आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से। आपका मन किसी चीज के लिए भी आपको दोष ना दे, आपके मन को कवर करता हूं यीशु के लहू में। इस बातों पर आप बने रहो ताकि वो बात जो खुदा ने मुझे दी है आप उस बात का हिस्सा बन सको, उस आशीष का हिस्सा बन सको यीशु मसीह के नाम से, उस आशीषों का हिस्सा बन सको। हर तरह की बीमारी से, हर तरह के कर्ज से, दुखों से आप आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। तरह तरह की बीमारियां जो आपकी बॉडी में बसी हुई हैं, शैतान आपके जीवन में छिपकर बैठा है, इस प्रार्थना को सुनने के बाद आप हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ यीशु के नाम से। शैतान आपकी जिंदगी से, आपके घराने से चला जाए राइट नाउ। कि क्या कराया, जादू टूना आपके जीवन से कैंसिल करता हूं। हर शैतानी मेज से जो आपने खाया जा खिलाया, जिस कारण भी आपकी आशीष रुकी है, आप बंधनों में हो, वो हर बंधन इस प्रार्थना के जरिए, इस सुनने के बाद आपकी जिंदगी से हर वो चीज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि बाइबल बताती है आपके बंधनों से उसने आपको क्रूस पर जीवन देकर उसने आपको आजाद किया है। इसलिए वो बाइबल कहती है आपके उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। रिसीव करो, ग्रहण करो, रिसीव करो, ग्रहण करो, आप चंगे हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हो, आप चंगे हो चुके हो। आप जो चाहते हो परमेश्वर आपको दे चुके हैं। बेबी वालों को, बच्चे वालों को, जिनके पास बच्चे नहीं है उन्हें बेबी की ब्लेसिंग मिले। री साखा ला बरे सन रउ साला बाबा बाबा ली बरे सन रे साखा रा। आज से आपके जीवन में हर तरह की गवाहियां बने यीशु मसीह के नाम से, हर तरह की गवाहियां बने, हर तरह के रोग से आज से परमेश्वर आपको चंगा करे यीशु के नाम से। आपकी गवाहियां बने आज से, किस दिन के बाद आपकी जिंदगियां सेम ना रहें, या हवा के नाम से आपकी जिंदगियां बदल जाएं। मैंने कहा आपकी जिंदगियां बदल जाएं। उसने कहा मेरे नाम से तुम जो मांगोगे, जो चाहोगे मैं तुम्हें करूंगा। ये उसी के नाम की प्रार्थना है। बाइबल बताती है उसने कहा अगर पहाड़ को कहो यहां से उखड़ और समुन्द्र में जा पड़, अपने मन में संदेह न करो, प्रतीति करो, विश्वास करो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो, जहां जिस प्रार्थना को सुनते हो विश्वास करो तुम्हें मिल चुका है। रिसीव करना और ग्रहण करना, जो लोग अभी कर रहे हैं जहां इस प्रार्थना को बाद में सुने, परमेश्वर 21 दिनों में आपकी जिंदगियों में बड़ी गवाहियां बनाने वाले हैं। मैंने कहा बड़ी गवाहियां बनाने वाले हैं। इसे मनुष्य की नहीं, मेरी नहीं, परमेश्वर की समझ कर लेना, उसका वचन समझ कर लेना, उसका समझ कर लेना। यस खुदाबंद, तेरे लोग छुड़ाए जाएं और बचाए जाएं, और हर प्रकार की आशीष दीजिए, तेरे नाम से आशीष हो जाए। धन्यवाद पिता, इन सब बातों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, धन्यवाद करता हूं स्वर्गीय पिता, जो बात तूने मुझे दी, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा, तेरे दास, तेरे पुत्र यीशु ने कहा,
जो वचन तूने मुझे दिया मैंने तेरे लोगों को सौंप दिया। जो बात मेरे यहोवा पिता तूने मुझे दी कि 21 दिनों में मैं अपने लोगों के जीवन में काम करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे लोगों को देता हूं, मैं तेरे लोगों को देता हूं। ये खुदावन हर प्रकार से, हर दुखों से जे छूट जाएं, हर हालातों से जे आजाद हो जाएं और चंगे हो जाएं और आशीष हो जाएं, यीशु मसीह तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से आशीष हो जाए। यस यस माय लॉर्ड, यस खुदावन, जो मुझे बात तूने पहुंचाई मैंने तेरे लोगों को दे दी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग अभी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जब बाद में सुने, इसमें बने रहना और धन्यवाद करते रहना, क्योंकि इस 21 दिनों में आपकी जिंदगी में रिजल्ट आने वाले हैं। ये मेरा वचन नहीं है, यहोवा का वचन है। ये बात उसने मुझे दी और मैंने आपको दे दी। आपके जीवन में हो सकता मेरे मुंह से वो शब्द जो आपकी जो भी जरूरत वो ना हो, पर परमेश्वर जानता है। हाँ, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी बीमारी है, जो आपकी जरूरत है, अगर मेरे मुंह से वो शब्द नहीं आए तो मैंने कहा जो भी आपको, तो परमेश्वर जानता है और वो 21 दिनों में आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।